नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 6 के सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, जिसमें आज का विषय है हमारा गणित, मैथमेटिक्स। हमारी पाठ्य पुस्तक है गणित प्रभा, जिसमें फर्स्ट समेटिव से लेकर थर्ड समेटिव तक, यानी कि फर्स्ट समेटिव, सेकेंड समेटिव और थर्ड समेटिव तक एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी पहली की वीडियो में मैंने हिंदी इंग्लिश के पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली है, के सिलेबस की चर्चा कर ली है। यदि आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देख ले, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को भी जान ले। आज हम लोग मैथ्स के सिलेबस को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स, गणित जो है हमारी पाठ्य पुस्तक नाम गणित प्रभा, ठीक है। फर्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मार्क्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नया मार्क्स होगा, वो आपको क्लास से, स्कूल से बता दिया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा पहला अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग रिविजन लेसन्स करेंगे, यानी कि पिछले पाठों की पुनरावृत्ति, ठीक है। पहला चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं वो है रिविजन लेसन। दूसरा अध्याय से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 7 और 8 अंकों की संख्या की धारणा, ये वाला चैप्टर करेंगे। फिर तीसरा अध्याय संख्या संबंधी तर्कयुक्त अनुमान, ये भी आपके फर्स्ट समेटिव के एग्जाम में आएगा। और साथ ही साथ चौथा अध्याय 100 तक रोमन संख्याएं, यानी 1 से लेकर 100 तक की जो रोमन संख्याएं होती हैं, आपका ये इस तरह लिखी जाती है 1, 2, 3, ये रोमन संख्या है, ये आपका पूरा 1 से लेकर 100 तक का आपको सीखना होगा। इसके बाद पांचवा अध्याय बीजगणितीय चल राशियों की धारणा, ये भी आपका फर्स्ट समेटिव में आएगा। इसके बाद 6th चैप्टर भिन्न का पूर्णांक से तथा मित्र से गुणा भाग। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट समेटिव के एग्जाम में, ठीक है, जो आपका फर्स्ट समेटिव है, इसमें चैप्टर 1 से लेके 1 तो नहीं, रिवीजन चैप्टर से लेके पूरा जो है वो चैप्टर 6 तक, ठीक है, रिवीजन लेसन से लेके चैप्टर 6 तक पूरा ही आ रहा है, ठीक। अगर हम अब सेकेंड समेटिव की बात करें, ठीक है, सेकेंड समेटिव की बात करें तो इसमें चैप्टर 7 यानी कि 7वां अध्याय दशमलव भिन्न का पूर्णांक एवं दशमलव भिन्न से गुणा और भाग, ये वाला 7 चैप्टर। इसके बाद 8 चैप्टर 8वां पाठ मैट्रिक पद्धति, 9th चैप्टर प्रतिशत, और 10वां अध्याय आवर्त दशमलव संख्या, 11th चैप्टर पाठ 11 सम ठोस वस्तु की रचना संबंधी गणितीय धारणा, एवं 12वां लेसन भी आ रहा है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड समेटिव का जाना। इसके बाद थर्ड समेटिव में जो 12वां अध्याय जो आपको बता रही थी मैं, कि सेकंड समेटिव आप देख सकते हो, सेकंड समेटिव यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड समेटिव में चैप्टर 12th चैप्टर जो है वो कौन सा है, 3 संख्याओं का लसा और मसा 12th चैप्टर। इसके बाद आपका 13th चैप्टर तथ्यों को सजाना, 14th चैप्टर लेसन 14 रेखा, रेखाखंड, रेखा किरण, बिंदु संबंधी विस्तृत धारणा, फिर लेसन 15 क्षेत्रफल और परिसीमा ज्ञात करना, और 16वां चैप्टर नियंत्रित संख्या और संख्या रेखा संबंधी धारणा। बच्चों आप इस पर ध्यान रखेंगे, कुछ चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो आपके जो सर या मैडम होंगे जो आपको क्लास में मैथ्स पढ़ाते होंगे वो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सेमेटिव तक का सिलेबस हुआ। इसके बाद यदि हम इसके बाद यदि हम थर्ड सेमेटिव की बात करें, थर्ड सेमेटिव जो कि 70 मार्क्स का होगा, इसमें स्टार्टिंग होता है आपका कुछ ओल्ड, ठीक है, रिवीजन लेसन्स है, जैसे कि 5वां अध्याय बीजगणितीय
चल राशियों की धारणा, नाइन्थ चैप्टर जो है प्रतिशत, फिर 13th चैप्टर तथ्यों को सजाना। यहाँ तक आपका पिछले सेकेंड सेमेस्टर में ही आप पढ़ चुके हैं, तो ये सेकेंड और मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में से भी जो चैप्टर्स हैं वो भी आएगा। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग होती है आपका 17वां अध्याय से, यानी 17th चैप्टर से, 17वें पार्ट से। जयमती वक्से के विभिन्न उपकरणों की सहायता से विभिन्न जयमतीय धारणा। इसके बाद 18th लेसन वर्गमूल, 19वां पाठ समय की परिमाप, फिर 20वां वृत्त संबंधी जयमितीय धारणा, 21वां अध्याय अनुपात और समानुपात की प्राथमिक धारणा, और 22वां अध्याय विभिन्न जयमतीय चित्रों का अंकन, 23वां प्रतिसाम्य, 24, 25, 26, 27। देखिए ये इसमें क्या है ना, बहुत सारे लेसन आ जा रहे हैं, कहिए तो पूरे पाठ में से ही चीजें आ रही हैं। ये आपका इसमें से ही आएगा, सर या मैडम जो भी होंगे आपके क्लास में, जो भी मैथ्स आपको पढ़ाते होंगे, वो आपको बता देंगे कि ये लेसन्स में से वो कौन कौन से देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके ही हाथ में होता है। परंतु बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो यही है, तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैथ का, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आशा है कि ये आपको मैथ्स पढ़ने, समझने और आगे से थोड़ी सी तैयारी करने में मदद करेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। हो सकता है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।